चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सलमान खान के करीबी दोस्त और फिल्म और टीवी एक्ट्रेस इंद्र कुमार का निधन हो गया है। 44 साल के इस एक्टर को आधी रात का दिल का दौरा पड़ा था। उस समय वह मुंबई के अंधेरी स्थित अपने घर पे थे। हालांकि इंद्र कुमार की डेथ की वजह लंबी बीमारी बताया गया है, लेकिन बाद में परिवार ने वजह स्पष्ट कर दिया। इंद्र कुमार ने 90 के दशक से अपना करियर शुरू किया था। वह अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों के खिलाड़ी तो सलमान खान के साथ वांटेड में नजर आ चुके थे। इसके अलावा छोटे पर्दे पर वह क्योंकि सास भी कभी बहू थी में महिर के रोल में नजर आ चुके हैं। इंद्र इन दिनों अपनी अगली बॉलीवुड फिल्म में फटी पड़ी है यार की शूटिंग कर रहे थे। उनका अंतिम संस्कार आज यानी मीरा रोड शमशान भूमि में करीब 6 बजे किया जाएगा। इंद्र कुमार मूल रूप से जयपुर के रहने वाले हैं थे और फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग किया करते थे। इंद्र कुमार ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी इंद्र बॉलीवुड के फेमस पीआरओ राजू कारी की बेटी सोनल थी। सोनल और राजू की एक बेटी भी है। वह तलाक लेने के बाद इंद्र ने पल्लवी शरीफ से शादी कर ली है। इंद्र कुमार ने बॉलीवुड में एंट्री 1996 में मासूम फिल्म से ली थी। फिल्म में उनके अपोजिट आयशा जुल्फा थी। इसके बाद वह खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अक्षय के साथ नजर आए। उनकी चर्चित फिल्मों में कुवारा, घूंघट, डंड नायक, मां तुझे सलाम, हथियार शामिल हैं। सलमान खान के साथ इंद्र कुमार 3 फिल्में में दिखे हैं। 2000 में कहीं प्यार ना हो जाए, 2002 में तुमको ना भूल पाएंगे और 2009 में वांटेड। आपको बता दें कि वांटेड वह फिल्म थी जिससे सलमान खान का करियर वापस ट्रैक पर आया था। वैसे इंद्र कुमार को सलमान खान के काफी करीबी बताया जाता था।